अभी हम लोग पहुंच गए हैं सीसी वन के बगल में। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट स्केयर, आई एम डेफिनेटली स्केयर ऑफ वैक्सीन। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंकिता एंड यू आर वाचिंग एंकिस लाइफस्टाइल। आज एक नया दिन और एक नया शुरुआत, और आज आप लोग के संग वीडियो करने का कारण ये है, आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड डोज ऑफ माई कोविड वैक्सीन। एंड हम स्लॉट लिए है सॉलेक अपेलो क्लिनिक में। बहुत सारे यहाँ पे अपेलो का ऑप्शंस था, सेंटर्स था, उसमें से हम अपेलो सॉलेक का लिए हैं। और जैसे कि लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि पापा लोग का ऑफिस हम लोग लिए थे, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कुछ काम था, इसीलिए इस बार हम नहीं ले पाए क्योंकि मेरा मम्मी पापा का ऑलरेडी हो गया है। सो आज हम थोड़ा सा फ्री थे एंड मेरे को स्लॉट भी बुक हो गया है, तो आज हम वही जा रहे हैं। अभी हम फिलहाल हैं लेकटाउन में, यहाँ से एक रिक्शा एंड आई विल रीच माय डेस्टिनेशन। सो देखते रहिए, बने रहिए। और एक बात बोल के रखती हूँ कि सेंटर के भीतर में ज़्यादा ब्लॉक करने नहीं मिल सकता है, तो हम निकल के फिर से आप लोग के संग मिलेंगे, और अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे भी करेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सीसी वन के बगल में सिटी सेंटर सॉल्ट, और इसके भीतर से निकल जाएंगे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं आप लोग को पता है बहुत नज़दीक है, और लेट्स सी। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट स्केयर, आई एम डेफिनेटली स्केयर ऑफ वैक्सीन। मेरे को बहुत डर लगता है, फर्स्ट टाइम तो ऐसा वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मतलब देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो आई जस्ट होप कि अभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट देते टाइम दर्द ना हो, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है वैक्सीन से। सो इवन आई ब्रॉट धीरज विथ मी ताकि वो मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के रहे, एंड हियर वी गो। तो चलिए बढ़ते हैं और डर के आगे जीते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं सीसी वन का टेरेस में, जहाँ पे एक टाइम हैंग आउट हुआ करता था, एंड काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए। एंड देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है, पीछे आप देख सकते हैं बर्गर किंग का खोला है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बन भी रहा है, अभी तक कम्प्लीटली बना नहीं है। एंड देख के पहले का मेमोरीज बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बैठते थे इस जगह पे, स्पेशली हम लोग बहुत अड्डा मारे हुए हैं, बहुत बातें किए हुए हैं पीछे मेट्रो स्टेशन, मतलब हाँ, तो वहाँ पे दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन जो कि सॉलिक का रूट है। सो फाइनली काफ़ी टाइम वेट कर लिया और हम स्टिकर भी खोल लिए हैं। दर्द अभी हाथ में हो रहा है कि नहीं? फिलहाल कोई दर्द नहीं है, बट वन थिंग विच आई नोटिस्ड कि वो लोग कॉटन नहीं लगाया था, मतलब आफ्टर द वैक्सीनेशन कॉटन लगाना चाहिए, तो नहीं लगाया था। तब अभी शेयर अ पिक्चर विथ यू ऑल, जहाँ पे एक्चुअली खून निकला हुआ है, एंड वो लोग कोई कॉटन नहीं लगाने की वजह से वो स्प्रेड हो गया। तो अदरवाइज फ़िलहाल तो कोई दर्द नहीं है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड कि कोई दर्द ना हो, पहले के टाइम की तरह बुखार ना हो। सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो अभी चलिए निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर घूमेंगे नहीं क्योंकि अच्छा खासा धूप है कोलकाता में, काफ़ी गर्मी है, और आप लोग देख सकते हैं कितना धूप है पीछे, क्योंकि अभी छाँव में है इसलिए मेरा आँख भी खुल रहा, नहीं तो आँख भी नहीं खुल रहा था। तो वहाँ पे एक कैफ़े भी है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये बनने के बाद हम लोग आए। अभी भी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर रेनोवेशन है, बन रहा है बहुत सारा चीज़ें, काफ़ी साल बाद हम लोग यहाँ पर आए, तो
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक टाइम शाम को हम लोग बहुत अड्डा मारते थे, फ़ोटो खींचते थे, वो सब दिन बहुत याद आ रहे हैं। सो वी आर बेसिकली रिकॉलिंग आर ओल्ड डेज। तो एनी वेज चलिए अभी घर के लिए भी निकलते हैं, अच्छा खासा टाइम हो गया है। एंड वहाँ पे तो जहाँ पे मतलब हम वैक्सीनेशन लिए अपेलो क्लिनिक में, एकदम भी मतलब लाइन नहीं लगाना पड़ा था, जस्ट गए और हो गया हम लोग का। तो अभी निकलते हैं घर क्योंकि मेरे को आ रहा है बहुत नींद। तो चलिए हम लोग आ गए सीसी वन के बाहर। एंड वैक्सीनेशन का एक ट्रीट भी बनना चाहिए, और ट्रीट यही है मेरा वैक्सीनेशन, हम लोग अभी क्वालिटी वॉल्स के सामने है। एंड भीतर में एक्चुअली इससे पहले वॉल्स का काउंटर था तो जो कि अभी बंद हो चुका है, तो अभी ये क्वालिटी वॉल्स में आए हैं। जो है वो आइसक्रीम और एक नया आइसक्रीम हम लोग आज लेने वाले हैं जो हम पहले कभी टेस्ट नहीं किया है। जस्ट हैव अ लुक। तो अभी वो निकल के आ रहा है मेरे साथ में, एंड मेरे को देख के ही मन किया ये ट्राई करता है। लेट्स ट्राई इट। ये रहा, ये है क्वालिटी वॉल्स का ट्रिक्सी कुकीज। तो सामने से देखो ऐसा है, आइस जमा हुआ ऊपर, हाँ ऊपर में पूरा आइस जमा हुआ है। तो धीरज इज गिविंग द फर्स्ट शॉट। सी आई टोल्ड यू अच्छा होगा। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने को नहीं मांगता है, इसका हमेशा ऐसा है कि जो खाते हैं वही खाना चाहिए। और मेरा है हमेशा एक्सपेरिमेंट करो तब पता चलेगा, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। तो आई थिंक ही इज लविंग दिस, सो लेट मी ट्राई। सो फाइनली आई एम बैक होम, और अभी बज रहे हैं 5 बजने में 5 मिनट। एंड यस, बाहर बहुत गर्मी था, अभी जिस घर में आए तो अच्छा लग रहा है, फ्रेशन अप हो गया। और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सोएंगे। एंड आई विल बी कीपिंग अप द अपडेट्स, कैसा मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे टू गॉड, फिंगर क्रॉस, कि लास्ट टाइम की तरह मेरा फिर से प्रॉब्लम नहीं हो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, और आज है नेक्स्ट डे, आप लोग देख ही सकते हैं सुबह हो गया है। एंड हमने अपना शावर भी ले लिया है, एंड जिससे हम सबसे ज़्यादा डर रहे थे कि हो सकता है मेरे हाथ में दर्द होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, बट ट्रस्ट भी कुछ नहीं हुआ, एक फुट्टा दर्द नहीं है। एंड आई एम कीपिंग अप वेल, नो फीवर लाइक आई हैड बिफोर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, जस्ट मेरे को कुछ देर के लिए थोड़ा सा हेडेक जैसा हुआ था रात को, अदरवाइज आई डिडंट गेट एनीथिंग। एंड इतना गर्मी है बाहर कि हमको रूम में आ जाना पड़ा। बेसिकली मेरे को एक चीज़ समझ में आया, जो लोगों को फर्स्ट डोज में प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों को सेकेंड डोज में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एंड जिन लोगों को फर्स्ट डोज में प्रॉब्लम नहीं हुआ है उन लोगों को सेकेंड डोज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि हैंड पेन एंड सर दर्द। बट दैट डजेंट मीन कि आप लोग वैक्सीन नहीं लीजिएगा, आप लोग ज़रूर 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 वैक्सीन लीजिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। एंड वी ऑल शुड एनकरेज ईच अदर टू टेक द वैक्सीन। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना लोगों का आप लोग में सेकेंड डोज कम्प्लीट हो गया। इन दिस पैंडमिक ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रहे, एंड वैक्सीन इज़ द वन वे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग, अगर फर्स्ट डोज नहीं दिए तो फर्स्ट डोज लीजिए, और अगर सेकेंड डोज का टाइम है तो टाइम भी आप लोग ले लीजिए, बी इट कोविड कोवैक्सीन, बी कोविशील्ड, बी इट एनीथिंग, सब कोई अपना अपना वैक्सीन लीजिए। एंड जो लोग लीजिए ज़रूर कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। बहुत शॉर्ट में हम ये वीडियो देने का कोशिश की, क्योंकि एज सच हम जब वैक्सीन लेने से पहले थोड़ा सा सर्च किए थे अबाउट द सेकेंड डोज, आई डिडंट गेट एज सच। और ये जो बात हम बोले कि फर्स्ट डोज में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सेकेंड डोज में नहीं हो रहा है, उसका मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है, प्लस मेरा कुछ फ्रेंड लोग हैं जो लोग को फर्स्ट डोज में थोड़ा बहुत बुखार आया था, सॉरी पेन जा रहा है। सो फर्स्ट डोज में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ था उन लोग को सेकेंड डोज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वही सही हम बोल पा रहे हैं। तो आज हो सकते हैं का वैक्सीन होगा, तो लेट्स सी। उसको भी आई डोंट थिंक ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको भी फर्स्ट डोज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। सो लुकिंग फॉरवर्ड, तो ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आज का वीडियो, बहुत छोटा सा, आई थिंक इट वॉज इन इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल एंड इट वॉज हेल्पफुल। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Also hit the bell icon so that you can get all the notifications. Also, my Instagram and Facebook account description box में दिया हुआ है, जाके check करिए और वहाँ पर मेरे को follow करिए, वहाँ पर मैं सारा photos, videos डालती रहती हूँ. So keep following me on the social medias and keep supporting me, keep loving me and also take care of yourselves. ताकि आप लोग जितना आप लोग का अपना ख्याल रखेंगे उतना मेरे को भी सपोर्ट कर पाएंगे, प्यार कर पाएंगे. ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा. जल्दी मिलते हैं एक नया व्लॉग एक नया दिन से, और तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए. अंकिता बनर्जी साइनिंग ऑफ.